एक मिलियनेयर की वाइफ एक जर्नलिस्ट को सेड्यूस करके अपनी स्टेप डॉटर को किडनैप करने का काम देती है। फिर एक मर्डर के बाद सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज मैं आपको एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है पाल्मेटो। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में जो है 6.1 out of 10 स्टार। इस मूवी में काफ़ी अलग अलग ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हम हैरी वार्बर नाम के बंदे को जेल में देखते हैं। एक्चुअल में वो बहुत गलत तरीके से, जो क्राइम उसने किया ही नहीं था उसके लिए वो जेल में था। उसके केस में कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुई और जज को पता चला है कि उस केस में वो था ही नहीं, जिसकी वजह से उसे 2 साल बाद जेल से छोड़ दिया जाता है। अब हैरी जज पर भी गुस्सा होता है। वो कहता है, तुम्हारी वजह से मेरे 2 साल बर्बाद हो गए, इसका हिसाब कौन देगा। जेल से बाहर निकलने के बाद उसका ब्रदर इन लॉ बाहर उसका वेट कर रहा था। उसका ब्रदर इन लॉ पुलिस में है तो उस पर भी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। पुलिस की वजह से ही वो इस सब में फंसा हुआ था। ब्रदर इन लॉ उससे कहता है, क्या तुम फिर से पाल्मेटो वापस जाना चाहते हो। पाल्मेटो एक सिटी का नाम है। हैरी इस सब में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं था। फिर तभी हैरी की एक्स गर्लफ्रेंड नीना उससे मिलने के लिए आती है। वो उसे कहता है, अब बहुत सारे साल हो गए। वो उसे कुछ भी नहीं बोलने देती और डायरेक्टली किस करने लग जाती है। फिर इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पाल्मेटो में पहुंच जाता है। सालों पहले उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आयन की चीज़ें बनाती थी, लेकिन अब वो एक आर्टिस्ट बन चुकी है। उसका एक पीस काफ़ी महंगा जाता है। वो प्रॉपरली अब सेटल हो चुकी थी। हैरी को भी लगता है उसे कुछ काम ढूंढना चाहिए। काम ढूंढने के लिए वो सिटी में जाता है, लेकिन आज उसे कोई भी काम नहीं मिलता। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। तब उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है, मेरा बहुत सारा आर्ट वर्क है, इसे तुम डिलीवर कर सकते हो, तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। इस बात से हैरी का ईगो हर्ट हो जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो एक बार में आया हुआ था। तभी एक बहुत अमीर लड़की उसके पास से गुजरी। वो फ़ोन बूथ पर जाकर बात करती है और अपना पर्स पीछे छोड़ देती है। हैरी उस पर्स को देख लेता है, उसमें बहुत सारे पैसे थे, जिसमें से थोड़े पैसे हैरी निकाल लेता है। अचानक से वो लड़की वापस आ जाती है। तब हैरी कहता है, मैं तुम्हें पर्स लौटाने ही वाला था, बारटेंडर ने भी ये सब देखा था। वो उस लड़की से कहता है, तुम अपने पैसे चेक कर लो। फिर वो लड़की कहती है, हाँ इसमें सारे पैसे हैं। फिर वो हैरी से कहती है, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक बाय करूँ। फिर वो उससे पूछती है, मुझे लगता है तुम्हें रिस्की काम करना अच्छा लगता है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, इसमें तुम्हें पैसे तो बहुत सारे मिलेंगे लेकिन इसमें रिस्क भी है। हैरी पूछता है, साफ साफ बताओ काम क्या है। वो लड़की उसे अपना नंबर दे देती है और कहती है, मुझे कल तुम कॉल करना। और वो जाते वक्त उससे कहती है, मेरी एक चीज़ तुम्हारे पास है। एक्चुअली हैरी ने उसके पर्स से पैसे निकाल लिए थे। फिर वो ये पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम में काम ढूंढते ढूंढते हैरी एक रिवर के पास आया, जहाँ पर वो एक बोट ऑनर से बात करता है। वहाँ पर उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल बोट दिखती है। वो उस बोट के बारे में बोट ऑनर से पूछता है। तब उस बोट ऑनर ने कहा, हमारे इस टाउन में एक मेलरॉक्स मिलियनेयर आया हुआ है, उसकी वाइफ है और अपनी बेटी के नाम पर भी उसने एक बोट रखी हुई है। अगले दिन हैरी की गर्लफ्रेंड नीना मेलरॉक्स के यहीं डिलीवरी देने वाली थी। तब हैरी कहता है, ये मैं देकर आता हूँ। वो यहाँ पर जब पहुँचता है तब डायरेक्टली वो उसी लड़की को देखता है। एक्चुअली ये मेलरॉक्स की वाइफ थी। अब मिसेज मेलरॉक्स अमीर है, तब वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है। फिर हैरी उसे कहता है, काम क्या है ये तो मुझे बताओ। वो उसे पैसे देती है और कहती है, सी के पास एक हाउस रेंट करो, वहीं पर हम बात करेंगे। इसके बाद रात में मिसेज मेलरॉक्स उससे मिलने के लिए आती है। हैरी को पता था वो कुछ ना कुछ इनलीगल बात करेगी, इस वजह से उसने टेप रिकॉर्डर को ऑन कर दिया। फिर वो हैरी से कहती है, तुम्हें मेरी स्टेप डॉटर ऑडिट को किडनैप करना पड़ेगा, ये काम रिस्की था। इस वजह से हैरी थोड़ा कतराता है। फिर मिसेज मेलरॉक्स कहती है, ये कोई भी किडनैपिंग नहीं होने वाली, ये प्लान मैंने और ऑडिट ने मिलकर ही किया है। ऑडिट कहीं घूमने चली जाएगी और इसके बदले हम $500,000 की मनी मांगेंगे। ये कॉल तुम करोगे और इसका 10% तुम्हें मिलेगा। ये सारी कुछ डिस्क्रिप्शन देते हुए उसने हैरी को रिझाने की कोशिश की। हैरी भी उसकी ब्यूटी देखकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। ये काम करने के लिए वो रेडी था, लेकिन इससे पहले वो ऑडिट से मिलना चाहता था। फिर ऑडिट उसे मिलने के लिए आती है। हैरी वंडर करता है, ये सारी चीज़ें वो करना क्यों चाहती है। एक्चुअल में मिसेज मेलरॉक्स ये उसकी स्टेप मदर है। ये सारा प्लान उसी का था, लेकिन ऑडिट को भी पैसे की ज़रूरत होती है।
क्योंकि उन्हें हमेशा से ही ज्यादा पैसे खर्च करने की आदत है। ऑडिट जब तक 18 इयर्स की नहीं हो जाती तब तक उसे पैसे नहीं मिल पाएंगे। इसके बाद वो फिर से अपने फादर के पास वापस आ सकती है। हैरी उसे कहता है, अगर तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया जिसकी वजह से तुम सारी बातें उगल दोगी। इस पर वो गुस्सा होकर उसे हिट करती है। हैरी भी उसे शांत होकर कहता है, अगर हमें ये सब करना है तो एक अच्छे प्लान की ज़रूरत पड़ेगी। ये फिर सारी चीज़ें फिक्स करते हैं। अगले दिन हैरी की गर्लफ्रेंड नीना का एग्जीबिशन था। इस एग्जीबिशन में मिसेज मेलरॉक्स भी आई हुई थी। हैरी ने अपने टाइपराइटर से नोट लिखकर मिसेज मेलरॉक्स को दे दिया। इसमें लिखा था, अगर अपनी बेटी को सही सलामत पाना चाहते हो तो मुझे $500,000 दे दो। इसके साथ उसने मिसेज मेलरॉक्स को ऑडिट के हेयर दिए जिससे सारी चीज़ें सही लगें। अब इनका प्लान था, ऑडिट अपने फ्रेंड के साथ एक क्लब में जाएगी, अचानक से वहां से वो गायब हो जाएगी और सबको लगेगा ऑडिट किडनैप हो गई। लेकिन ऑडिट एक अच्छे से होटल में जाकर सेफली रहेगी। अब इनके इसी प्लान की एग्जीबिशन चल रही थी, तभी ऑडिट क्लब से बाहर आई और अपनी गाड़ी के पास आती है। तभी उसकी गाड़ी को किसी ने पीछे से ठोक दिया। उस आदमी के साथ ऑडिट झगड़ा करने लग जाती है। अगर ये फाइट बढ़ जाती तब इनका प्लान प्रॉब्लम में आ जाता, इसलिए हैरी पीछे से आकर उस आदमी के सर पर मार देता है और वो ऑडिट को वहाँ से ले जाता है। वो ऑडिट पर गुस्सा था और उससे कहता है, छोटी छोटी गलतियाँ बहुत ही महंगी पड़ती हैं। फिर वो उसे बताता है वो जेल में क्यों गया था। इस टाउन में उसने रिवर के पास बहुत ही एक्सपेंसिव कार देखी जिसकी उसने इन्वेस्टिगेशन की। यहाँ पर इलीगल गैम्बलिंग चल रही थी, इसे उसने रिपोर्ट करना चाहा, लेकिन उसी के लॉकर में $20,000 मिले। पुलिस को लगा हैरी भी इसमें शामिल है जिसकी वजह से उसे जेल में डाल दिया गया। इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। वो फ्रस्ट्रेटेड था कि उसके 2 साल बर्बाद हो गए जिसकी वजह से अब वो ये काम करने के लिए रेडी हुआ था। ऑडिट को सही से ख्याल रखने की इंस्ट्रक्शन देकर वो वहाँ से चला जाता है। उसने फिर मेलरॉक्स को रैंसम मनी के लिए कॉल लगाया। अगले दिन हैरी को लेने के लिए पुलिस आती है। पुलिस स्टेशन जाने पर उसे पता चलता है उसके ब्रदर इन लॉ ने उसे बुलाया हुआ था। एक्चुअल में पुलिस को ऑडिट की किडनैपिंग के बारे में पता चल चुका है। वो चाहते थे प्रेस में किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। हैरी पहले जर्नलिस्ट हुआ करता था जिसे इस सब के बारे में पता है, इसलिए उसे ये सब काम वो दे देते हैं। हैरी ने फिर ऑडिट को कॉल लगाया और उसे कहता है, अभी के अभी तुम वापस आ जाओ, हमने अभी तक कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन ऑडिट इस बात के लिए नहीं मानती। फिर वो अपने ब्रदर इन लॉ के पास जाता है और उससे कहता है, शायद ऑडिट कहीं भाग गई हो, मे बी ये रैंसम कॉल वगैरह प्रैंक हो सकता है। ब्रदर इन लॉ ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। लेकिन ऑडिट ने घर पर कॉल किया, वो रो रही थी और कह रही थी अगर उसके फादर ने पैसे नहीं दिए तो ये लोग उसे मार डालेंगे। हैरी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो मिसेज मेलरॉक्स को मिलने के लिए बुलाता है। हैरी उसे पूछता है, पुलिस को कैसे पता चल गया? वो मिसेज मेलरॉक्स पर ही शक कर रहा था। वो कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो फिर से उसकी ब्यूटी देखकर और उसके सेड्यूस करने पर उसकी बातों में आ जाता है। फिर ये दोनों गपागप करने लगते हैं। फिर इसके बाद हैरी उससे कहता है, आज रात ही हमें पैसे मांगने पड़ेंगे। इसके बाद उसने ऑडिट को फिर से सिटी में बुला लिया था। उसने रात में मिसेज मेलरॉक्स को कॉल करके एक जगह पर पैसे रखने के लिए बोल दिया। इसके बाद सक्सेसफुली हैरी वो पैसे लेकर आता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। इसके बाद वो अपने रेंट किए हुए घर पर पहुंचा, जहां पर उसे डायरेक्टली ऑडिट की डेड बॉडी मिलती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने फिर ऑडिट की डेड बॉडी अपनी कार में डाली, इसे वो ठिकाने लगाने वाला था। लेकिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, एक ट्रक को वो आगे देख नहीं पाया जिसकी वजह से उसकी कार साइड लाइन से टकरा जाती है। उसका टायर भी फ्लैट हो चुका था। इसे वो फिक्स करने की कोशिश करता है, तभी एक पुलिस ऑफिसर पेट्रोलिंग करता हुआ वहां पर पहुंचता है। उससे गाड़ी के पेपर्स वगैरह मांगता है। हैरी कहता है, मेरा ब्रदर इन लॉ भी तुम्हारे साथ ही काम करता होगा। ये पुलिस ऑफिसर उसे जानता था, इस वजह से वो हैरी के साथ और भी ज़्यादा फ्रेंडली हो गया। फिर वो हैरी से कहता है, मैं तुम्हें फ्लैट टायर चेंज करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हारी डिग्गी खोलो, हम इक्विपमेंट्स निकालेंगे। लेकिन हैरी के डिग्गी में ऑडिट की डेड बॉडी थी। हैरी थोड़ा सोचता है और डिग्गी खोलते वक्त उसने चाबी को तोड़ दिया। पुलिस ऑफिसर के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और वो कहता है, मैं एक ट्रक को कॉल करता हूँ, वो तुम्हें घर पर सेफली छोड़ देगा। फिर वो इस मुसीबत से बाल बाल बच गया। अब हैरी अपनी गाड़ी और ऑडिट की डेड बॉडी के साथ घर में था। वो आज रात टेंशन में ड्रिंक कर लेता है। जब वो सुबह उठता है
तब उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आया हुआ था। नीना ये सारी चीज़ें नोटिस करती है। वो कहती है, कल रात तुमने ड्रिंक किया, मुझे आजकल तुम थोड़ा अलग अलग लग रहे हो। हैरी कहता है, उस लड़की की किडनैपिंग की वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर पैसों की एक्सचेंज हुई थी, उस क्राइम सीन पर हैरी को बुलाया गया था। यहाँ पर पुलिस फुटप्रिंट्स देखती है जो हैरी से मैच कर रहे थे, लेकिन उस पर कोई भी शक नहीं करता। हैरी ने प्रेस को कंट्रोल करने का सही से काम किया था। हैरी का ब्रदर इन लॉ उसे कहता है, हमारे पास एक विटनेस है, उस रात ऑडिट का जिस आदमी के साथ झगड़ा हुआ था ये वही विटनेस था। हैरी उसके सामने नहीं आता और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। फिर जल्दी से घर आकर बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले उसने बैग निकाला। ये ओपन करते हुए नीना उसे देख लेती है। वो कहती है, इस बैग में क्या है। हैरी इस बैग को छुपा लेता है। नीना ने कहा, ये उस लड़की के बारे में ही है, वो गैराज में जा रही थी, लेकिन हैरी उसे रोक लेता है। नीना समझ जाती है वो लड़की गैराज में ही है। हैरी फिर रोने लग जाता है और वो कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो उसे सारी चीज़ें बता देता है, वो उसे पैसे दिखाता, लेकिन एक्चुअल में अंदर सारे फेक नोट्स थे। नीना ने फिर मिसेज मेलरॉक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली। फिर उसे पता चला मिसेज मेलरॉक्स का जो ड्राइवर है जिसका नाम है डॉनली, उसके साथ मिसेज मेलरॉक्स का चक्कर चल रहा है। इस सारे प्लान में वो दोनों शामिल थे। नीना फिर डायरेक्टली जाकर डॉनली से बात करती है। वो कहती है, हमारे पास ऑडिट की बॉडी है जिसे तुम्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा। डॉनली कहता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा। हैरी ने जो मिसेज मेलरॉक्स की टेप बनाई थी, ये टेप वो डॉनली को सुना देती है। ये टेप सुनकर डॉनली भी काम करने के लिए रेडी था। डॉनली ने फिर नीना से कहा, इस टेप में जरा आगे सुनो। नीना को हैरी के अफेयर के बारे में पता चला, वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। वो हैरी से पूछती है, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। हैरी कहता है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, मैं फंस गया था। नीना कहती है, तुम्हें ये सब इनलीगल करने की ज़रूरत क्या थी। हैरी कहता है, गलत एविडेंस की वजह से मेरे 2 साल बर्बाद हो गए, इस वजह से मैं गुस्सा था। कुछ देर बाद इनके पास डॉनली आता है, वो अपने साथ एसिड लेकर आया था। वो ऑडिट की बॉडी को मेल्ट कर देते हैं। इसके बाद वो उनसे टेप का एविडेंस लेकर चला जाता है। इसके बाद फिर से हैरी को उसके ब्रदर इनला का कॉल आता है। ब्रदर इनला हैरी से कहता है, ऑडिट की डेड बॉडी हमें मिली है, ये डेड बॉडी हैरी ने जो प्लेस रेंट किया था वहीं पर मिली थी। अब सवाल ये उठता है, ऑडिट की बॉडी को उन्होंने अभी अभी मेल्ट कर दिया, फिर ये बॉडी किसकी थी। वो पुलिस के साथ यहाँ पर पहुँचा, लेकिन ये डेड बॉडी किसी और ही लड़की की थी। मिसेज मेलरॉक्स ने एक्ट्रेस को हैरी के पास भेजा हुआ था ताकि हैरी को लगे कोई भी किडनैपिंग नहीं हो रही है। मिसेज मेलरॉक्स का हैरी को फंसाने के लिए पूरा प्लान था। अब जो डेड बॉडी मिली है ये एक्चुअल में मेलरॉक्स की बेटी की डेड बॉडी है। यहाँ पर जो पुलिस को विटनेस मिला था ये भी देखने के लिए आया हुआ था। वो हैरी को पहचान लेता है और वो कहता है, इसने ही ऑडिट को किडनैप किया था, जिसे देखकर हैरी जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वो रात में डायरेक्टली मिसेज मेलरॉक्स के पास पहुँचा, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। मिसेज मेलरॉक्स कहती है, ये सारा प्लान डॉनली का है जो मुझे भी इस सब में फंसा रहा है। वो उसे फिर से किस करती है और कहती है, हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इस बार हैरी नहीं फंसने वाला था, वो डायरेक्टली मेलरॉक्स के रूम में गया और वो कहता है, तुम्हारी वाइफ ने ये सब प्लान बनाया था। वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है। डॉनली रूम में आया और हैरी पर गन लगा देता है। मिसेज मेलरॉक्स वहां पर पहुंची, लेकिन मिसेज मेलरॉक्स ये कोई और ओल्ड लेडी थी। एक्चुअल में हमें अब तक जो मिसेज मेलरॉक्स लग रही थी ये डॉनली की वाइफ थी। डॉनली और उसकी वाइफ यहां पर सर्वेंट थे और उन्होंने मिलकर ही ऑडिट को किडनैप करने का प्लान बनाया था। मिस्टर मेलरॉक्स हैरी पर बिलीव नहीं करते और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वो डॉनली को ऑर्डर देते हैं, इसे ले जाकर मार डालो। जहां पर इन्होंने ऑडिट की फेक बॉडी मेल्ट की थी यहीं पर डॉनली हैरी को लेकर आता है। हैरी की गर्लफ्रेंड नीना को भी उन्होंने किडनैप कर लिया था। डॉनली और उसकी वाइफ मिलकर हैरी और नीना को एसिड में डालने ही वाले थे। फिर वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। हैरी ने ऑलरेडी अपने ब्रदर इनला को सारी चीज़ें बता दी थी। सारी पुलिस यहां पर पहुंच जाती है। घबराकर डॉनली ही एसिड में गिर जाता है। डॉनली की वाइफ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन इसके साथ ही पुलिस ने हैरी को भी अरेस्ट किया। उसने भी इस सब में इनकी मदद की थी। लास्ट में उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया, लेकिन पहले किडनैपिंग में उसने इनकी मदद की थी। उसने ये सारी चीज़ें एक्सपोज की, जिसकी वजह से उसे बहुत ही कम जेल होती है। वो अपनी लाइफ में हमेशा से एक नोवेल लिख रहा था, लेकिन उसे कभी भी टाइम नहीं मिल रहा था। लास्ट टाइम वो जेल में गया तब उसके पास लिखने के लिए एक अच्छी स्टोरी नहीं थी, लेकिन इस बार उसके साथ जो भी हुआ ये सारी चीज़ें वो लिख डालता है। जेल से जब वो बाहर आया तो उसके पास पूरी बुक रेडी थी। शायद मेरी बुक पर मूवी भी बन जाए और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।